देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते कोटा में प्रवासी मजदूरों के लिए अस्थायी शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। यहाँ इन्हें भोजन, पानी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ चिकित्सा विभाग की टीमें बुलाकर श्रमिकों की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। इसके बाद राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार बसों में बैठाकर इन श्रमिकों को अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया जा रहा है। कल भी यहाँ से 3 बसें रवाना हुई, हर बस में लगभग 50, इसमें 60, इसमें 40 रवाना करते हैं। कोई बिहार के होते हैं, मध्य प्रदेश की भी होते हैं, झारखंड की भी होते हैं, जहाँ जहाँ के भी आते हैं हम सबकी काउंटिंग करते हैं एक एक की, और उसके बाद बस में बिठाते हैं। इसके पहले हम मेडिकल से टीम बुलवाते हैं, मेडिकल टीम चेक करती है, चेक करने के बाद यहाँ पर हम उनको बस में बिठाते हैं। और इसके पहले जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे आते हैं, हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, हम दोनों टाइम भोजन उनको कराते हैं।